हम इस शहर से कहीं और चले जाएंगे। इसको यकीन कहा जा सकता है वो शहर कराची। इलाही कोई ऐसी हवा चला दे जो इस शहर को धक्का लगा के पंजाब पहुंचा दे। हमें दो नहीं एक पाकिस्तान चाहिए। वो बिल्डिंग्स जो एक प्रॉपर तरीके से बाकायदा अप्रूवल के साथ तमाम किस्म की जो लैंड डिपार्टमेंट से लेके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो उससे हर किस्म की वेरिफिकेशन और नोटिफिकेशन के साथ, इसके अलावा 16 से 17 एनओसीज लेने के बाद जब एक लीगल तरीके से लीगल बिल्डिंग्स बनती हैं तो बनने के बाद इस पे ऑर्डर आता है कि ये बिल्डिंग इलीगल है। अगर आप कहते हैं कि ये इलीगल है तो उस पर इस चीज़ को भी जानना ज़रूरी है कि जिस चीज़ पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसको सुनना भी बहुत ज़रूरी है। आप उसको सुनते नहीं हैं, आप अपने वकला हैं उनको भी आप नहीं सुनते और आप उस आवाम या उस पब्लिक को जो इस इन ऑर्डर्स के तहत जिनके जो नुकसानात होते हैं 30 साल 40 50 साल से उनकी रहाइशें होती हैं हर लीज डॉक्यूमेंट के साथ, तो उनको वहाँ से हटा दिया जाए तो उनके जो नुकसानात हैं उनकी भी कोई सुनवाई नहीं, ना उनको सुनने वाला है, ना किसी किस्म का उनके लिए कोई तरीक़ाकार बनाया जाता है कि उनको कोई दूसरी रिहाइश दी जाए। अल्लाह ना करे ये बिल्डिंग टूट जाती है तो मैं तो ऐलान करता हूँ कि हम मैं कारोबार नहीं करूँगा इस शहर में और हम इस शहर को अपना कारोबार बंद कर देंगे और हम इस शहर से कहीं और चले जाएंगे। आप जहाँ बोलेंगे वहाँ चले जाएंगे। अगर कराची में आपको चाहते हो कि काम नहीं करें हम छोड़ देंगे अगर आपको अच्छा नहीं लगता। हम इस किताब जो बुक है जो कानून है उसके हिसाब से काम करें। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मोहसिन भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मोहसिन भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कराची का माशी कतल बंद करो, माशी कतल बंद करो। ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स जिसमें के अब एक ऐसी स्टेज पर आ गए हैं जहां पर थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, जहाँ छोटे छोटे लोगों ने अपने जेवर बेच के अपने जमा पूंजी से मकान बुक किए या दुकानें बुक की और अब उनको ऐसे डॉक्यूमेंट्स पर जो कि सिंध गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स ने उनको दिए हैं उसके बिना पर एक ऐसा फैसला आया जिससे उनको तकलीफ हुई। आई एम श्योर कि ये हमारी जो हायर कोर्ट्स हैं वो इसको इस पर नज़रसानी करेंगी। टावर इस तरह गिरने शुरू हो गए और कोई बेसिस बन गई इस तरह की वो तो बड़ा ही मसला हो जाएगा। और जैसे जमीन साहब ने कहा कि ये कितने मरहले इसमें आते हैं अप्रूवल के और जब बिल्डिंग बननी शुरू होती है तो भी स्टेज बाय स्टेज अप्रूवल होती है सारे, पूरा एक बहुत बड़ा सिस्टम है। ये एक दफ़ा की बात नहीं है कि आपने जाके लिया और कोई आपका एक अफसर बैठा था आपने करा लिया और आ गए। ये मुख्तलिफ मरहलों में इसका काम होता है और ये प्लॉट तो सोसाइटी की लीज थी ना सिंधी मुस्लिम की, वो कब की थी 53 की। 53 के बाद जो भी सिलसिला चला आज पूरा आप उसको, मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए जो है एक कमेटी, हमारी रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस साहब से कि इसको हमदर्दाना तौर पे हम उनके फैसले पे कोई इतराज नहीं कर रहे या, लेकिन हम उनकी नज़र में लाना चाहते हैं कि ये जो सिलसिला है अगर ये शुरू हो गया तो फिर तो पता नहीं कितना शहर टूट जाएगा। क्योंकि यहाँ जो निज़ाम रहा है बिल्डिंग बनाने का और करने का, और इनको ये चाहिए कि ये जितने फैक्ट्रीज हैं इनकी भी बात सुने, आखिर वहाँ 44 फैक्ट्रीज रहती हैं। इस तरह और आगे चलना शुरू हुआ सिलसिला और फिर आप ये भी जानते हैं कि जब एक ऑर्डर आता है तो फिर आप जाते हैं दूसरे के पास तोड़ने वाले कि आपका भी ऑर्डर कराने वाला है, आपका भी परसों आने वाला है, तो पूरा शहर का माल बन जाएगा ना। क्योंकि कोई भी अफसर हो चाहे सिंध का हो चाहे पंजाब का हो चाहे कहीं का हो, जब मौका आता है तो फिर वो कहता है जी मियाँ साहब आप ही जा रहे हैं, आपकी बिल्डिंग का भी हमने नाम दे दिया है, तो ये तो एक पूरा एक सिलसिला शुरू हो जाएगा और एक हरासमेंट हो जाएगी। उस सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने एक दफ़ा कोई नक्शा पास कर दिया और आवाम ने उस पर इन्वेस्ट कर दिया वो NOC लेने के बाद, तो ना आवाम को कोई सज़ा होनी चाहिए ना उस बिल्डर को कोई सज़ा होनी चाहिए। अगर किसी ने गलत काम किया है तो वो इदारे हैं जिन्होंने वो परमिशन दी कि आज इस शहर में जो हम बिल्डिंगें बनाते हैं उसमें पानी का कनेक्शन बैन है लेकिन पानी आता है टैंकर्स के जरिए। कराची के
एक हिस्सा ऐसा भी है जिधर पूरा का पूरा शहर आबाद किया जा रहा है, लेकिन ना वहाँ बिल्डिंग परमिट है, ना वहाँ इन्वायरमेंटल स्टडी है, ना कोई लीज का मसला है। ये कौन सा कानून है? हमें दो नहीं है, एक पाकिस्तान चाहिए। क्या दूसरे सूबों में कोई ऐसी इमारत को इस तरह ढा दिया गया जो लीज की हुई हो? हर तरह से तमाम एनओसी के बाद 16 एनओसी के बाद तामीर हो चुकी है और बरसों से तामीर हो चुकी है, तो क्या वो इसकी मिसाल मिलती है? अगर दूसरे शहरों दूसरे सूबों में हमारा यही चीफ जस्टिस है, यही हमारी अदालत है, इसे मैं से यही कहूँगा कि जहाँ दूसरे शहरों में अगर कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं तो जो आपकी अकल से मावरा है, तो आपने उसको रिकग्नाइज किया है या किसी पर कोई रियायत नहीं की है? क्योंकि मसले का हल है। देखिए, कुरान पाक की आयत है, या अय्युहल लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास फिल क़त्ल, ऐ ईमान वालों तुम पर कातिल का क़िसास फ़र्ज़ है, जब जिसने कत्ल किया हो उसका क़िसास फ़र्ज़ है, कुरान की आयत है। मगर अल्लाह ताला ने कत्ल के क़िसास के बजाय दियत का भी रास्ता निकाल दिया। रास्ता है ना, अगर किसी चीज़ का कत्ल किया है और घर वाले कहते हैं, मकतूल घर वाले कहते हैं कि हमें इसको क़िसास नहीं चाहिए, हमें इसके लिए चाहिए, ये का इस्लाम में रास्ता मौजूद है। तो हर चीज़ के दो रास्ते हैं। तो इज़्ज़त मैं आपसे यही कहूँगा कि बरए मेहरबानी हमारे शहर पर रहन करें। आप भी शहर के बाशिंदे हैं, यहाँ के हालात को आपको बताया कि नाम गुफ्ता भार है, मुझे कहते डर लगता है, मगर हकीकत यह है कि दुनिया के सर्वे ने बता दिया, दुनिया के पाकिस्तान सर दुनिया के सर्वे ने बता दिया कि दुनिया में एक शहर है जिसको यतीम कहा जा सकता है, वो शहर कराची है। पर ये सर्वे को बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो अब मुख्तसर कहने का ये है कि मैं एक बार फिर कहूँगा, बातें बहुत सारी हो गई, कि बस इसको रिक्वेस्ट किया जाए, इस इमारत को अगर खुदा ना खास्ता इसको मुनहदिम कर दिया गया, आपने पूरे शहर को मुनहदिम कर देने के लिए मुतरद किया। इलाही कोई ऐसी हवा चला दे जो इस शहर को धक्का लगा के पंजाब पहुँचा दे। इलाही कोई ऐसी हवा चला दे जो शहरे कराची को धक्का लगा के पंजाब पहुंचा दे, और मैं एक नस्ला टावर के लिए, अपने पवेलियन क्लब के लिए, कच्ची आबादियों के लिए, तमाम लीज जगहों के लिए, जो पंजाब रेगुलाइजेशन कमीशन पंजाब में बना है, 50 लाख घरों का वादा करने वाले वजीर आजम साहब वो कमीशन कराची में भी बना दें। आपने वादा किया था तो इन कराची वालों के लिए भी वो कमीशन बना दें जो आपने पंजाब में, आप सबको पता होना चाहिए, पंजाब में एक रेगुलाइजेशन कमीशन बना है और सिर्फ 2% देकर 6,000 वो सोसाइटीज जो कानूनी नहीं थी वो कानूनी हो रही है। इस पाकिस्तान में डबल स्टैंडर्ड क्यों? जब आप बनीगाला और हयात रीजेंसी इस्लामाबाद को रेगुलाइज करते हैं तो कराची में क्यों नहीं करते? आपने बहरिया टाउन को रेगुलाइज किया तो उनके लिए कानून अलहदा क्यों और हमारे लिए कानून अलहदा क्यों? तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज हम पे रहम करें, जो चीज़ रेगुलाइज्ड है और जो अकॉर्डिंग टू द लॉ बनाई गई है उसको कंप्लीट प्रोसेस को देखने के बाद कोई ऑर्डर जारी किया जाए ताकि कोई भी फैक्ट्री मुतासर ना हो। क्योंकि ये लोग ये जो अपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये अपनी रिहाइश के लिए जो जगह लेते हैं, ये अपनी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई कहाँ कहाँ से ये लेते हैं, उसके बाद ये फ्लैट लेते हैं।